दोस्तों बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्म दुबे। आज खुशखबरी भोजपुरी सिनेमा जगत में इस वजह से है क्योंकि भोजपुरी की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री, बहुत टैलेंटेड भी हैं और सुपरस्टार भी ने कहा जाता है, काजल राघवानी जी का जन्मदिन है जिसे बहुत ही जोरदार तरीके से आज मनाया जा रहा है। हालांकि काजल राघवानी जी इस समय भोजपुरी अभिनेता यश कुमार के सेट पर हैं, जहां पर दंड नायक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, और जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से आज वहीं पर केक सेलिब्रेशन किया जाएगा, पार्टी शार्टी सब दंड नायक के सेट पे ही होने वाली है। खास बात यह है कि चूंकि काजल राघवानी जी का जन्मदिन है तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये जान पाना कि क्या सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने उनको जन्मदिन की बधाई दी, इसलिए क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और कहीं ना कहीं खेसारी जी के साथ काजल राघवानी का नाम अक्सर ही जुड़ता रहा है। जी हाँ, काजल राघवानी जी ने जो है काजल राघवानी जी को सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने जन्मदिन की बधाई दी है, सब गिले शिकवे भुलाकर जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन खास बात यह है कि उनके फैंस को ये बात पसंद नहीं आ रही, खेसारी लाल यादव जी के साथ लोग नाराजगी जता रहे हैं ये कहते हुए कि खेसारी लाल यादव जी ने आखिर क्यों काजल राघवानी को जन्मदिन की बधाई दी। सबसे पहले आपको ये वाला फोटो दिखाते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने किसी मंच का ये फोटो है जहां पर काजल राघवानी के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया था। इस फोटो को खेसारी लाल यादव जी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जन्मदिन की बधाई दी है और कैप्शन में खेसारी जी ने लिखा है, हमारी इंडस्ट्री की मस्ती क्वीन और मेरी फेवरेट को स्टार जी को जन्मदिन की बधाई, आप ऐसे ही खूब मस्ती कीजिए और हमेशा खुश रहिए। मस्ती क्वीन का नाम खेसारी लाल यादव जी ने काजल राघवानी को आज दिया, साथ ही साथ मेरी फेवरेट को स्टार भी काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव जी ने दिया है। सारे गिले शिकवे भुलाकर, बीच में जो मतभेद हुए थे उन सभी को भुलाकर खेसारी लाल यादव जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, काजल राघवानी को बद्दे का विश किया है। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस बहुत ज्यादा नाराज इससे हो गए हैं। हालांकि दोस्तों आपको बताएं कि अभी तक 1361 कमेंट्स आ चुके हैं इस पोस्ट पर, जिसमें बहुत ज्यादा लोग खेसारी यादव जी की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन काजल राघवानी को विश देने की वजह से क्या कुछ लोगों ने कहा यह भी आपको बताएं। रॉयल बॉय अविनाश हैं, यूजर हैं, ये लिखते हैं, भैया ये तो कमीनी है भैया, इसको काहे विश किया है। दोस्तों ऐसा नहीं लिखते हैं, ये सब गलत बात है भैया। गौरव गुरु गौरव राव हैं, यूजर हैं, ये लिखते हैं, भैया इनको बद्दे का विश क्यों किया, ये तो हमारी दुश्मन है, यानी लोगों ने काजल राघवानी को दुश्मन तक मान लिया है। एनालिसिस लिखते हैं, का भैया इसको काहे विश किए, ये अभी भी बहुत उल्टा सीधा बोलती है, इसका फेसबुक पेज देखिए, जो भगवान बने हैं उनको पत्थर कर दूंगी, आपको हमेशा टारगेट करती रहती है, और उसके बाद टैं 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 गाली लिख दिया है। एक सज्जन लिखते हैं, भगवान इनका धंधा आगे बढ़ाए पर होगा नहीं ऐसा। एक सज्जन लिखे, भाई लोग इस पोस्ट को कोई लाइक मत करो ताकि खेसारी जी को पता चले कि हम लोग इसको उनके साथ नहीं देखना चाहते हैं, वो पवन सिंह की बनाई हुई है, सांप को जितना दूध सर्व करो एक दिन काटेगा ही, पवन जी की बनाई हुई है ये, इसलिए इनको सपोर्ट मत करो, ऐसा भाई साहब का कहना है। एक सज्जन लिख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे काजल जी, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं। एक सज्जन ने लिखा है, थूक के चाटने की आदत है क्या रे तुम लोगों को, इसका बर्थडे विश क्यों किए, आपको भी देखना सुनना बंद कर देंगे, ध्यान रखना उसने बहुत हर्ट किया है। लोगों को टारगेट कर रहा है ये बंदा जो हैप्पी बर्थडे काजल राघवानी कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा है, मुझे पता था भैया आप विश जरूर करेंगे, आपकी डार्लिंग जो है इसलिए मुझे पता था भैया आप विश जरूर करेंगे। दोस्तों इस तरह के कई कमेंट कितना आपको पढ़ के सुनाए, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है 20-25% कमेंट जो है काजल राघवानी के खिलाफ लिखे गए हैं, और कम से कम 70% के आसपास काजल राघवानी
के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा गया है और काफी लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि काजल राघवानी को जल्द से जल्द खेसारी लाल यादव जी के साथ देखा जाए। तो कहीं ना कहीं फैन जो खेसारी लाल यादव जी के हैं वो कुछ हद तक आहत हुए हैं इस वजह से कि खेसारी लाल यादव जी ने काजल राघवानी को आखिर बर्थडे विश क्यों किया। दोस्तों आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले ही खेसारी लाल यादव जी के साथ झगड़ा करके काजल राघवानी ने अपना रिश्ता उनसे तोड़ लिया था और देसी भारत के ही न्यूज चैनल पर आकर उन्होंने ये कहा था इंटरव्यू के समय कि हिम्मत है तो हमसे शादी करके दिखाएं, अपनी पत्नी को तलाक दे के दिखाएं। और तब से ही मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि खबर यह भी आई कि दोनों के बीच अब मतभेद खत्म हो चुके हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है और बहुत ही जल्दी दोनों एक साथ भी आएंगे, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं काजल राघवानी के जन्मदिन को लेकर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।